क्या कभी आपने सीड 666 में जाके माइनक्राफ्ट खेलने का सोचा है, या फिर रात को 3 बजे उठकर कभी माइनक्राफ्ट खेला आपने? नहीं तो आपने मशरूम आइलैंड के पीछे की कहानी तो जरूर सुनी होगी। क्या नहीं सुनी? डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज की वीडियो यार अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है। सो या करते हैं स्टार्ट। ड्रैगन एग, पिंक शीप या फिर ये एंशिएंट डिब्रीज, ये माइनक्राफ्ट के कुछ रेयर चीजें हैं। लेकिन क्या आपको पता है, माइनक्राफ्ट में ऐसी भी चीज थी पहले जो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थी। ये ब्रिक का बना हुआ ऐसा बड़ा सा पिरामिड, मिलियंस ऑफ ब्लॉक होते हैं माइनक्राफ्ट में, हजारों स्ट्रक्चर होते हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन ऐसा पिरामिड आपको सिर्फ एक ही दिखेगा पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ऐसा पिरामिड बनाया किसने, इसका किसी को आइडिया नहीं है। ये यहाँ पर क्यों है, अगेन किसी को आइडिया नहीं है। पहली बात तो ये कि इतना ज्यादा ये रेयर होता है, इसको आप कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड घूमने में तो आपको सालों लग जाएंगे। और एक बार आपने इसको गलती से ढूंढ भी लिया ना, तो कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि है तो सिर्फ ये बड़ा सा ब्रिक का बना हुआ पिरामिड। इसके अंदर अगर आप खुदाई भी करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम यार कुछ खजाना वगैरह मिले तो कोई बंदा मेहनत भी करे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपको मन है तो आप यहाँ की ब्रिक्स चुरा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सीड 666 ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता ही होगा माइनक्राफ्ट में काफी टाइप के सीड होते हैं, एंड ऑब्वियसली हर सीड आपको एकदम न्यू वर्ल्ड में लेकर जाता है। लेकिन अगर आप सीड 666 में जाते हो तो क्या होगा? वेल, अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि 666 डेविल का साइन नंबर होता है। इस सीड पर माइनक्राफ्ट पे हजारों वीडियोस बन चुकी है, जिसमें प्लेयर इस सीड में जाते हैं और वियर्ड वियर्ड आवाजें आती है उनको घूमते वक्त, या फिर इवन कुछ प्लेयर्स ने तो उल्टा क्रॉस भी देखा है इस सीड के अंदर। बट लेट्स राइट, क्या होता है? ओके, वर्ल्ड में आते ही सामने मेरे को एक सवानो बायोम में मैं स्पॉन होता हूँ। सामने एक ह्यूज सा डेजर्ट भी था, एंड आई थिंक अभी तक तो सब कुछ मेरे को यहाँ पे नॉर्मली लग रहा है। वहाँ पे दूर एक डेजर्ट वाला विलेज भी था, मैंने वहाँ जाकर देखा, इट वॉज ऑल गुड, कुछ दिक्कत नहीं लग रही थी मेरे को। एंड मैंने फिर रात होने का वेट करा, क्योंकि ऑब्वियसली रात के अंधेरे में सारी चीजें होने लग जाती है ना। ओके, हियर वी आर, रात होने पर मेरे को सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ तो मुझे यहाँ पे चीजें आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी इस वर्ल्ड में। मैं बिल्कुल यहाँ पे सरफेस लेवल पे खड़ा था, लेकिन मुझे जो केव नॉइसेस थी वो बहुत जोर से आ रही थी। ऑब्वियसली मैंने खुदाई करी और मैं नीचे केव में चला गया। वो नॉइस यार बढ़ती जा रही थी, बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल था, वो नॉइस बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे मैं नॉइस की तरफ जा रहा था ना, वेल मुझे ऐसा कहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट कुछ तो यहाँ पे मेरे को अलग आउट ऑफ द प्लेस फील हो रहा था। एक्सप्लोर करता करता मैं पहुंचता हूँ एक केव के अंदर, जहाँ पर मैंने ऐसा कुछ देखा आप बिलीव भी नहीं करोगे। यस, एक क्रॉस बना हुआ था। मुझे लिटरली यार यकीन नहीं हो रहा था ये देखकर, बट मैंने फिर ये सोचा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है बिल्कुल ये रैंडम चीज हो। ऐसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में यार गड्ढे तो यार दिखते रहते ही है। तो मैंने ज्यादा कुछ वहाँ पे सोचा नहीं, सीधा यहाँ पे ऊपर आ चुका था और यहाँ पे डे टाइम भी हो गया, और अभी तो बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा था। वैसे देखा जाए तो सीड 66 यार इतना भी ज्यादा डरावना नहीं था जितना मैंने सोचा था। एंड क्या पता वो आवाजें या फिर वो ऐसी वियर्ड सी फीलिंग मुझे इसलिए आ रही हो, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ही किसी हॉरर सीड के अंदर यहाँ पे खेल रहा हूँ। लेकिन कुछ पता नहीं यार, वो आवाज बहुत ज्यादा वियर्ड थी, एंड वो सीधा मेरे को एक क्रॉस की तरफ ही लेके गई थी। कुछ तो यार इस सीट के पीछे राज छुपा हुआ है, लेकिन सैडली हमें ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला। वेल, माइनक्राफ्ट के जब हम एकदम ठंडे वाले इलाके में जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ही कम चीजें दिखती है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मॉब भी दिखता है जो इस वर्ल्ड में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये स्ट्रे दिखने में काफी ज्यादा स्केलेटन जैसा ही दिखता है। इसके एक हाथ में बो एंड एरो होती है, एंड इवन इसने यहाँ पे कुछ कपड़े भी पहने होते हैं और गले में एक आइस का नेकलेस भी। लेकिन क्या आपको पता है, स्ट्रे यहाँ पे यूं ही ठंडे बायो में नहीं घूमते हैं, ये एक्चुअली उनका काम है, एक ऐसा काम जिसमें विलेजर्स को फंसाया जाता है। आपने देखा ही होगा जब भी स्ट्रे हमें मारता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हमें वो स्लोनेस दे देता है जिससे हम बिल्कुल स्लो पड़ जाते हैं। वैसे स्ट्रेस जाके विलेजर्स पे अटैक करते हैं, इनको स्लो करके ले जाते हैं। लेकिन आप सोच चुके कि कहाँ ले जाते होंगे उनको? देखा जाए तो स्नो बायो में ऐसी कोई जगह ही नहीं है सिवाय इन इग्लूज के। स्ट्रेस विलेज को इग्लूज में ले जाके कैद कर देते हैं, जहाँ पर उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। नेदर में हम जैसे अपना कदम रखते हैं, सारी चीजें यहाँ पे बदल सी जाती है। नेदर एकदम डरावनी सी जगह होती है, जहाँ पे हर तरफ आपको लावा ही लावा दिख जाएगा। एंड ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बने होते हैं जो कि नेदर को और ज्यादा अजीब बनाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम नेदर फोर्ट्रेस
चेस्ट कहते हैं, जिसमें लंबी लंबी ऐसी दीवारें होती है, एक ऐसा पत्थर से बने होते हैं जो इस वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलता। अंदर जाने पर लंबे लंबे बड़े विदर स्केलेटन और आग के गोले फेंकने वाले ब्लेजेस मिल जाएंगे। इवन यहाँ पर चेस्ट में कीमती सामान भी भरा होता है। बहुत ही अजीब जगह होती है नेदर फोर्ट्रेस। लेकिन नेदर फोर्ट्रेस ऐसा क्यों बना होता है? सुनसान नेदर के बीचों बीच ऐसा बड़ा विशाल फोर्ट्रेस बनाने का क्या मतलब, और इसको किसने बनाया आखिर? अब स्केलेटन और ब्लेजेस तो इसको बिल्कुल भी नहीं बना सकते, इसको किसी ऊपरी दिमाग वाले जीव ने ही बनाया होगा, ताकि वो अपना आपका बचाव कर सके उस नेदर के सबसे बड़े मॉब विदर से। इसकी ये ऊंची दीवारें देखकर तो बिल्कुल यही समझ आता है। और ये विदर स्केलेटन और ब्लेजेस भी फोर्ट्रेस में बचाने का ही काम करते हैं, और इवन फोर्ट्रेस का मतलब ही होता है किसी चीज की प्रोटेक्शन करना। लेकिन ऐसा कुछ बड़ा जीव आज तक हमें माइनक्राफ्ट में क्यों नहीं देखा भला? तो देखो, माइनक्राफ्ट हम यार रोज ही खेलते हैं। कभी ऐसे स्कूल आने के बाद हमने माइनक्राफ्ट खेल लिया, या कभी रात को डिनर करने के बाद हमने माइनक्राफ्ट खेल लिया। लेकिन क्या कभी आपने रात को 3 बजे माइनक्राफ्ट खेला है? क्योंकि कुछ माइनक्राफ्ट की थ्योरीज के अकॉर्डिंग रात को 3 बजे माइनक्राफ्ट का न्यू वर्ल्ड खेलना काफी ज्यादा क्रीपी होता है। मुझे भी यही ट्राई करना था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2-3 अलार्म लगा दिया रात को, और मैं सोने चला गया। रात के एग्जैक्ट 3 बजे अलार्म बजता है। पहले अलार्म में मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। घर में यहाँ पे पूरा सन्नाटा हो चुका था रात में, और अब माइनक्राफ्ट को ऑन करके मैंने एकदम न्यू वर्ल्ड बना लिया और मैं माइनक्राफ्ट खेलने लग गया। करीब 12-13 मिनट माइनक्राफ्ट खेलने के बाद वहां पे एकदम गहरी रात हो चुकी थी। एंड यस, थोड़ी देर ही माइनक्राफ्ट खेलने के बाद मुझे वियर्ड सी फीलिंग आने लग गई थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि मॉब्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पॉन हो रहे हैं। भर भर के यहाँ पे क्रीपर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन हुए जा रहे थे, मेरे पीछे पड़े हुए थे। और मैंने रात को वहाँ पे सोने के बजाय एक्सप्लोर करने का ही प्लान बनाया, जो कि मेरी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी। तो सब कुछ तो वैसे यार नॉर्मली चल रहा था, बट 3:22 के आसपास मैं ऐसे ही जंगल के पास में घूम रहा था, एंड सडनली माइनक्राफ्ट की आवाज एकदम से बढ़ जाती है। ग्रास पर दूर किसी चलने की आवाज आती है, ऐसा कोई लग रहा था कोई धीरे धीरे चल रहा हो। बट लिटरली मैंने उधर वहां पे जाके देखा, एंड मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है वहां पे, बस वो खाली वियर्ड सी फीलिंग और माइनक्राफ्ट की डरावनी आवाजें। एंड उसके बाद वहां पे धीरे धीरे सुबह भी होने लग गई थी, तो मैंने सोचा शायद वो कोई मेरा वहम ही होगा। एंड मुझे काफी नींद भी आ रही थी, तो मैंने माइनक्राफ्ट बंद करा और सोने चला गया था। विलेजेस माइनक्राफ्ट में जाके लूटना सबको ही पसंद है, विलेजर्स काफी ज्यादा एकदम भोंदू होते हैं ना, इसलिए माइनक्राफ्ट में देखो अलग अलग टाइप के विलेजेस होते हैं। एंड कुछ तो विलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा एकदम अलग से दिखते हैं, जहां पर आपको कोई भी विलेजर नहीं दिखेगा, इवन यहां पे कोई आयरन गोलम भी नहीं रहता है। हर जगह यहां पे आपको स्पाइडर्स के कॉबवेब भरे हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये विलेज ऐसा क्यों है भला? नॉर्मल विलेज में आप जाके देखोगे एकदम हरियाली होती है, वहां पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक डरावनी चीज शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक जमाने में बिल्कुल नॉर्मल विलेज जैसा ही दिखता होगा, क्या पता किसी कारण इसका हाल ऐसा हो चुका है। और इतने सारे कॉबवेब देख के तो एक ही चीज मेरे को समझ आती है, इस विलेजर का हाल पक्का इन स्पाइडर्स ने ही करा होगा। जी हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, एक दिन काफी सारे पॉइजन स्पाइडर का एकदम ढेर आया होगा और इस पूरे विलेज को उन्होंने एकदम तभा कर दिया होगा। इतने सारे स्पाइडर्स आयरन गोलम भी नहीं मार पाएंगे ऑब्वियसली, और इसी कारण यहाँ पे सारे विलेजर्स भी मर गए होंगे। और सबके घरों में आपने इवन स्पाइडर के कॉबवेब भी सीली देखे होंगे, और इवन चेस्ट के अंदर भी आपको कुछ स्पाइडर्स के पार्ट भी दिख ही जाएंगे। और धीरे धीरे ये विलेजर एकदम खाली और शांत होता गया। कब माइनक्राफ्ट की एकदम सिंपल सी मॉब होती है, उसको आप मस्त जाके वीट खिलाओ और बदले में आपको काफी सारा मिल्क मिलेगा। लेकिन माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक टाइप की काव नहीं होती है, ऐसी भी काव होती है जो कि एकदम रेड कलर में दिखती है, उसके बॉडी पर मशरूम उगते हैं। और क्यों ये एकदम सबसे अलग मशरूम आइलैंड पे रहती है? तो देखो, माइनक्राफ्ट में पहले एक विलेज हुआ करता था, जिसमें विलेजर्स को काव रखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो उनको प्यार से रखते थे और वीट खिला थे, और बदले में उनको काव बहुत सारा मिल्क देती थी। लेकिन एक दिन विलेज पर भयानक सी रेड पड़ जाती है, एंड वहां के सारे विलेजर सैडली मर जाते हैं। पूरा विलेज यहां पे सुनसान पड़ जाता है, वहां पे सारी काव अकेली बंद हो जाती है, उनको खाना देने के लिए यहां पे कोई भी नहीं होता, और पिलेजर्स ने आसपास का सारा ग्रास भी यहां पे खराब कर दिया था। और इसी भूख के कारण एक काव ने इन्फेक्टेड पोटैटो खा लिया, और उस दिन से पूरे विलेज में वायरस फैल गया था, और सारी काव धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गई। सारी काव के बॉडी पे ऐसे मशरूम उगने लग गए। ऐसे ही समय बीतता गया और उस पूरे आइलैंड की जमीन पूरी इन्फेक्ट हो गई। वहां पे बड़े बड़े मशरूम के पेड़ उगने लग गए, और वो जगह इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई थी कि आज तक वहां पे कोई भी अभी तक मॉब स्पॉन नहीं हो पाता है।